Good morning, students. Good morning, everyone. Now we are started to next subject. EBS. Okay. Then chapter number 5, plants. क्या है हमारा lesson number 5, plants. क्या है plants? Yes. We are no plants. Yes or no? Yes. Okay. Plants का meaning होता है पेड़ या पौधे. क्या होता है प्लांट्स का मीनिंग? व्हाट इज मीनिंग बाय प्लांट्स? पेड़ या पौधे. तो क्या है हमारा चैप्टर प्लांट्स का है. इसमें हम देखेंगे आज कि स्मॉल इंट्रोडक्शन में आपको दूंगी. चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे आज डायरेक्टली, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. तो प्लांट्स आर एवरीवेयर. क्या होता है प्लांट्स? ईच एंड एवरी जगह, एवरी प्लेस पे हम देखते हैं. प्लांट्स कैसे होते हैं? वी नो दैट प्लांट्स, यस प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर के भी होते हैं. देखा होगा आपने आपके आस परिसर में आजू बाजू, कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो आपके खुद के घर में आपने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखा होगा, पौधों को देखा होगा. यस या नो? यस. लिसन टू केयरफुली ऑल आवर स्टूडेंट्स, कि आपको मैं जब भी स्कूल स्टार्ट होगी या फिर आपको जब भी कोई क्वेश्चंस करूंगी तो आपको एनी हाउ उसका आंसर आपको आने चाहिए. ओके इसीलिए केयरफुल होके आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड चैप्टर का आपको समझ में आना चाहिए. ओके और ये तभी हो पाएगा जब आप फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से मेरा लेक्चर अटेंड करोगे, मेरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, समझोगे. ओके तो प्लांट्स आर एवरीवेयर. क्या है प्लांट्स? आज के जमाने में, आज की जनरेशन में हर जगह पाए जाते हैं. ऐसा क्या है? ये प्लांट है. ओके हमारे खुद के घर में हम प्लांट्स को देखते हैं, हमारे स्कूल में हम प्लांट्स को देखते हैं, या फिर वृक्षारोपण का दिन देखा होगा आपने जहाँ हमेशा स्कूल में बताया जाता है आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, कि साल में एक बार तो भी वृक्षारोपण करनी चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए. तो इससे क्या होगा? यस वृक्ष हमारे लिए क्या है? हाँ नैसर्गिक देन है, हमें नैसर्गिक के द्वारा हमें प्रदान किया हुआ यह एक आशीर्वाद है. और क्या है? गुड थिंग्स. अच्छी सोच के साथ यदि हम पेड़ लगाएंगे तो आगे चल के, कहते हैं ना कि हमसे पहले हमारे दादा लोगों ने किसी फल के पेड़ को लगाया होगा तो उसका वो फायदा उन्हें उस समय नहीं, आगे चल के हमें मिलता है. देखा है आपने ऐसी एक कहावत है, कहते हैं लोग कि आज जो हम करेंगे इसका फायदा हमें आगे चल के होगा. तो इसीलिए उसी चीज को नजर में रखते हुए, उसी चीज को सोचते हुए वृक्षारोपण किया जाता है कि हमें उन पौधों का बड़े होकर हमारे आगे की जनरेशन को हमें फायदा मिलेगा. तो ओके ये क्या था? ये तो कुछ चीज अलग सी मैं आपको बता रही हूँ, बट प्लांट्स आज हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. देखा है आपने पार्ट्स के न रहते हुए हम हमारी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या? कैन यू इमेजिन दैट विदाउट ट्रीज, विदाउट यस प्लांट्स हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. ओके क्योंकि इसी के जरिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, काफी सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं प्लांट्स के जरिए. डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, यस वुड मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, काफी सारे फायदे हमारे इस प्लांट से हमें मिलते हैं. ओके तो क्या है प्लांट्स? पेड़ पौधे जैसे हम देखते हैं, जिस जिस शहर में हम अलग अलग जगह पर रहते हैं उस जगह के अलग अलग पेड़ हमें अलग अलग नजर आते हैं. तो आज का हमारा ये शॉर्ट क्या है? इंट्रोडक्शन है. मैं ज्यादा तो आपको नहीं समझाऊंगी इसमें ज्यादा, क्योंकि हम आगे चल के स्टेप बाय स्टेप जब भी हम हमारे इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आगे चल के हमें नई चीजें और पता चलेगी. ओके और साथ ही साथ आपको रीडिंग करनी है. मैंने बार बार आपको बताया था कि आपको वन पेज राइटिंग स्किल करनी है, देन रीडिंग करनी है, जिससे आपको आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी,
आपने देखा होगा बाग बगीचों में